मुंबई इंडियंस को आईपीएल में लगातार पांचवी हार मिली। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 198 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। जवाब में मुंबई इंडियंस 186 रन बना पाई 9 विकेट गंवाकर। पंजाब की तरफ से मयंक अग्रवाल ने 52 और धवन ने 70 रन मारे। वहीं दोस्तों मुंबई की तरफ से केवल ब्रेविस ही 49 रन बना सके और सूर्य कुमार यादव 43। इस हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहां गलतियां हो रही है, शायद हमारे टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो ही नहीं बैठ पा रहा है। मुंबई इंडियंस बैक टू बैक हार के बाद में प्लेऑफ की जो रेस है उसमें खुद को फंसाती हुई नज़र आ रही है। रोहित ने ये माना कि टीम जब से चेंज हुई है हमारे नए खिलाड़ी एक दूसरे के साथ संतुलन नहीं बैठा पा रहे हैं, हमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें सुधारनी हैं और अब तो समझ से परे है कि गलतियां हो कहां रही है। रोज़ हार के बाद मीटिंग होती है लेकिन कुछ भी नया निकल के नहीं आता। रोहित ने कहा कि हमारा टॉप ऑर्डर लगातार फ्लॉप हो रहा है, मुझे खुद को यहां पे समझ नहीं आ रहा कि मैं अगर अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहा तो खिलाड़ियों को बोलूं कैसे। रोहित की परफॉर्मेंस इस आईपीएल में काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। रोहित दोस्तों आज इंटरव्यू में काफ़ी हताश और परेशान नज़र आए। क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस कमबैक कर पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो।